ओम शांति। आज आम परमपिता परमात्मा सत्य शाश्वत परिचय विषय अवगत होगा। वर्तमान समय रे मनुष्य जीवन एत व्यस्त बिव्रतमय हो उठी जे समय टिके बाहर करिबा पाई कहिले असंभव हो पड़ुछि। किंतु ता सत्वे मध्य आज संसार समाचार प्रति ता मनरे जथेष्ट आग्रह रही व्यस्त बिव्रतमय जीवन मध्य से संसार समाचार कौन से व्यक्ति द्वारा कौन से खबरकागज द्वारा देश विदेश खबर को आग्रह सहित शुणुची। किंतु जदि कौन से व्यक्ति द्वारा कौन से पत्र पत्रिका द्वारा ताकु ए संवाद मिलुची जे स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पृष्ठ को अवतरण करी वर्तमान नुआ दुनिया स्थापनार कार्य करुछंती, किंतु ए संवाद शुणी ता मनरे कौन से विशेष आग्रह सृष्टि हेबार लक्ष्य करा जाउ नाही। जेमिति जणे प्रसिद्ध गायक आसिले आम भितरे गीत शुणिबार खुशी किंबा कौन से प्रसिद्ध जादूगर आसिले जादू देखिबार खुशी आम मन भितर नाची उठुची। ए परमात्मांकर अवतरण हेबार संवाद शुणी सेई खुशी बा सेई प्रेम आम मन भितर उज्जीवित होना। जदिओ आम स्वयं परमात्मा को दुखहर्ता सुखकर्ता रूपे संबोधन करुचे, तेणु निश्चिंत परमात्मा जदि धरापृष्ठ को आसबे आमर दुख हरण हेब एवं सुख प्रदान करिवे। किंतु से खुशी आम भितर न आसवर कारण कौन? तार अनेक किछि कारण थाईपे। जमीती प्रथम कारण हेउछि जे जुग जुगरु आम भितरे गोटे अंध बुझावणा बशाबंधी रही जे स्वयं परमात्मा ए धरापृष्ठ को आसिबे नाही, किमा जदि भी आसंती से आम मानक भली साधारण पापी निकृष्ट आत्मा मानक सहित मिसिबे नाही। किमा द्वितीय कारण ये मध्य होई पारे जे आज आमर मन आमर बुद्धि व्यक्ति मानक भितर एत बांटी हो जाइछि जे से परम पवित्रमय परमात्मा को पाई आम हृदय स्थान नहीं। तृतीय कारण ये भी होई पारे जे आम भितर समाज धर्म रक्षक साधु सन्यासी माने जो भावना जाग्रत कराइ देइछंती जे अमुक अमुक शास्त्र रे पांडित्य अर्जन कर सारिबा परे यही तीर्थ पर्यटन पर किंवा जीवन में यही साधना को यही सिद्धि लाभ कला परे ही आमे परमात्मा दर्शन बा सान्निध्य लाभ करनेक कारण रही जाद्वारा आम मनबुद्धि से परमात्मा निकट को अग्रसर होगापी कष्टसाध्य होमें ईश्वर संतान, किंतु ईश्वर संतान हो आम आज ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार वंचित हो जाए। आम स्वयं पवित्रमय कल्याणमय परमात्मा संतान होमर मनबुद्धि आज अपवित्र हो जाए। मनबुद्धि कलुष कालीमा आच्छादित हो रही से आम दुखर जंजाल बांधि हो जाए। आम समस्ते से दुखर रक्षा पाइबा चाहूचे, किंतु दुखर रक्षा पाइबार एकमात्र उपाय हेउछि सेई एक परमात्मांकर सत्य स्वरूप को जानी तांकर नाम रूप गुण कर्तव्य को बुझी तांक सहित आम मन बुद्धि तार को संजोग करिबा। किंतु प्रश्न उठुछि सेई एक परमात्मांकर सत्य परिचय आमको प्रदान करिवो किए? ग्रंथ वेद शास्त्र पुराण साधु ना सन्यासी कहीं भी नुहंती। कहीं ये सृष्टि जन्म नहीं प्रत्येक व्यक्ति जन्म मरण चक्र आबद्ध कर्म एवं कर्मफल मध्य बांधी हुई रही, किंतु परमात्मा हेले सदाशिव सदा मुक्त सदा पावन
तेणु यही अपवित्र आत्मा दुख कष्ट जर्जरित आत्मा से पवित्रमय परमात्मा संपूर्ण सत्य परिचय प्रदान करी पारिबो नाही। आम पाखरे परमात्मा परिचय जहाँ भी रही से संपूर्ण नुहे, से आंशिक भाव सत्य जेपरी अंधों हाथी देखा कहानी सदृश, अर्थात चारिज अंध थिले, तत्वावधान बातर तत्वावधारक हिसाब से रही व्यक्ति थे हाथीशाला को नहीं हाथी देखापी चेष्टा कले। से मैंने तो अंध थिले, तेणु निजर स्पर्श आधार रे से हाथी को स्पर्श करी अनुभव करने चेष्टा कले। जड़े व्यक्ति हाथीर पेटरे हाथ मारे देखला, जड़े हाथीर गोड़ को स्पर्श कला, जड़े हाथीर शुंड को स्पर्श कला, एवं आउ जड़े हाथीर कान को स्पर्श कला। जेते बेले तांकू पचरा गला जे भाई हाथी केमिति, जे हाथी पेटरे हाथ मारुथिला से कहला हाथी होचे गोटे कांथ भली, जे हाथीर गोड़ को स्पर्श करथिला से कहला नाही हाथी होचे गोटे खंभ भली, आउ जे हाथीर शुंड को धरथिला से कहचे नाही हाथी होचे गोटे सर्प भली, आउ जे हाथीर कान को धरथिला से कहचे नाही हाथी होचे गोटे कुला भली। तेबे आपण माने कहंतु हाथी केउ भली, हाथी कांथ भली, हाथी खंभ भली, हाथी सर्प भली, ना हाथी कुला भली, एथरु केउटा भी सत्य नुहे। कहीं निजर अनुभव सुनाइथिबा व्यक्ति माने अंध, से माने हाथीर संपूर्ण स्वरूप को देखि नहंते। तो ठीक से भली भावरे परमात्मा हेले परम सत्य, से परम सत्य को उपलब्धि करिबा पई तांकर सत्य परिचय को जानिबा पई आमको दिव्य दृष्टि आवश्यकता रही। जो दिव्य दृष्टि आज संसार रे कहा पाखरे नहीं, तेणु आंशिक दृष्टि रे आमे परमात्मा से भाव अंधों हाथी देखा सदृश परिचय प्रदान करुचे। तेणु परमात्मा समाज रे अनेक मान्यता बा अनेक परिचय रही जाइछि। जेमिती किछि लोक कही थांती जे आत्मा ही परमात्मा, आउ केही केही कही थांती जे नहीं प्रकृति ही परमात्मा, आउ किछि मतवाद आसे जे ब्रह्म ही परमात्मा, एवं आउ किछि मतवाद आसे जेते इष्ट समस्ते ही भगवान बा परमात्मा, आउ किछि मतवाद आसे जे नहीं भगवान नाम रूपरू संपूर्ण भिन्न, एवं प्रायत सार्वजनीन मत आसी थाए जे नहीं भगवान सर्वव्यापी कण कण रे विद्यमान, भगवान सबुठी अछंते। तेबे आपण माने विचार करंतु आमे कहूचे भगवान एक एवं से होचंते सत्य, तेणु सत्यर परिचय केते प्रकार हो परिबो। सत्यर परिचय सब वाले एक एवं अपरिवर्तनीय मध्य, तेणु आमे उपरोक्त जेतोटी कथा को आलोचना कले बा दृष्टि पकाइले से सब सत्य ना परमात्मांकर आउ किछि सत्य परिचय रहिछि। तेणु वास्तविक पांच छटी मतवाद केबे भी सत्य होई पारिबो नाही, तेणु निश्चय परमात्मांकर संपूर्ण सत्य परिचय किछि रहिछि, एवं जहाँ स्वयं निजे ही परमात्मा प्रदान करुछन्ते। गीतारे जो महावाक्य उल्लेख अछि जे जेते बेले धर्मर ग्लानि हुए सही समय परमात्मा धरापृष्ठ को अवतरण करी निजर सत्य परिचय प्रदान करती, एवं सृष्टि परिवर्तन करी थांती। त वर्तमान से ही समय आसी उपस्थित होई स्वयं परमात्मा जी धरापृष्ठ को अवतरण करी
निजर सत्य परिचय प्रदान करुछन्ते तेबे से सत्य परिचय कौन एवं ताकु आमे किभली भावरे स्वीकार करि परिबा तेनु परमात्मांकर सत्य परिचय जानिबा पई पांचोटी मतवाद रहिछि जेमिति गोटिए बणिया कसोटी पत्थर माध्यम रे सुना को परखि थाए सेई भली भावरे ई पांचोटी मत को नै आमे जानिपारिबा तर्जमा करिपारिबा पर्यालोचना करिपारिबा जे वास्तविक परमात्मा किए तांकर सत्य स्वरूप कौन तेणु प्रथम मतबोध हेउछि जे भगवान आमे तांकु कहिबा जिए सर्वधर्म मान्य अर्थात जहाँ सबु धर्मर लोके मानिबे कहीं आमे तांकु कहुचे से विश्वर पिता तेणु हिंदू ख्रीस्टियन मुसलिम जैन बौद्ध सिख ईसाई जे भी रहिले समस्ते विश्वर वासी बा से भगवान कर संतान तेणु समस्ते परमात्मा को एक रूप से मानुवा दरकार तेणु प्रथम मान्यता भगवान सर्वधर्म मान्य द्वितीय परमात्मा आम तांकु कही परिबा जी सर्वोच्च अर्थात सबुठार उच्च जी समस्तंगर माता पिता बंधु शिक्षक गुरु रक्षक हेबे किंतु तांकर केही माता पिता बंधु शिक्षक रक्षक नहंती सी सर्वोच्च एवं तृतीय मान्यता हेउचे परमात्मा सर्वोपरे सर्वोपरे कहिबार तात्पर्य दुनियार जेते चक्र रहिछे जन्म मृत्युर चक्र कर्म कर्मबंधनर चक्र पाप पुण्यर चक्र सुख दुखर चक्र ये सबुथुरु जिए भिन्न जिए अलगा जिए ताठारु ऊर्ध्वरे तेणु दुनिया रे समस्ते आमे जन्म नहींचे जन्म नेला माने कर्म करिवाकु पड़े कर्म कले कर्मर फल भोग करिवाकु पड़े तेणु आमे तारि बंधन रे बांधी जाऊछे किंतु परमात्मा जिए सबुथुरु भिन्न न्यारा अलगा सर्वोपरे एवं चतुर्थ मान्यता हेउछि परमात्मा सर्वज्ञ अर्थात जहाँ को सारा सृष्टि रो आदि मध्य अंत स्थापना पालना विनाश रो ज्ञान अछि एवं सारा सृष्टि रो जे बीज स्वरूप जे सृष्टि रो रचयिता तेन से हेउछन्ति परमात्मा दुनिया रा कौन सी आत्मा सर्वज्ञ हो पारे ना जमी जड़े डॉक्टर सी संपूर्ण रूपे डाक्तर विषय रे कही पार कि सीए इंजीनियर पाठ बा धर्मशास्त्र उपरे संपूर्ण पांडित्य हासिल कर यथार्थता ना कि परमात्मा जी सृष्टि सबु ज्ञान अधिकारी सर्वज्ञ एवं पंचम मान्यता हूँ परमात्मा आम तुम्हें कह जी सर्वशक्तिमान सकल शक्तिर आधार ये पांचटी मान्यता को नहीं आम जदि पर्यालोचना करवा जे आम दुनिया रे जहाँ को परमात्मा बोली मानिछे यही पांचटी क्वालिफिकेशन तांको पाखरे अच्छी तबे आसंतु आम जो जो पॉइंट को मानुचे जे ए माने ही परमात्मा हो पारती से विषय आम आलोचना करवा प्रथम आम मानुछे जे आत्मा ही परमात्मा यह केते दूर यथार्थ सबु धर्मर लोके कौन यह स्वीकार करिबे जे आत्मा ही परमात्मा किमा आत्मा कौन जन्म मृत्यु चक्ररु भिन्न आत्मा कौन केबे सर्वज्ञ हो पारे आत्मा कौन सर्वोच्च हो पारे प्रत्येक आत्मा कर जन्मदाता माता पिता अछंती तांकु शिक्षा देवाई शिक्षक गुरु मध्य अछंती एवं प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक आत्मा को जीवन रे काठारु ना काठारु सहाय्य नवा को पड़े से केबे भी सर्वशक्तिमान नुहे एवं आमे समस्ते मंदिर को जाई प्रार्थना करूचे तुमेव मातास्य पिता तुमेव तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणाम तुमेव तुमेव सर्वो मम देव देव अर्थात तुमे मोर माता पिता तेणु तुम्हें जदि मोर माता पिता आमे समस्ते हेले से परमात्मा कर संतान तेणु आत्मा केवे परमात्मा हो पार ना आम समस्ते से एक परमपिता परमात्मा कर संतान जमी जड़े पुत्र से हुए तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी डिग्री हासिल करी ता बापा को समान हो पार किंतु से केवे बापा ही पार
से अन्यर पिता हो पार कि निजर पिता निजे हो पार ना एवं आत्मा को आम कहे कर्म आधार रे श्रेष्ठ कर्म कले बा पुण्य कर्म कले महान कर्म कले आम महान आत्मा देव आत्मा पुण्य आत्मा रूपे संबोधन करुचे कि आत्मा केवे परमात्मा हो पार ना परमात्मा कौन सी डिग्री नुहे जे जहाँ आम हासल कर तेणु आत्मा परमात्मा ये मतवाद संपूर्ण अज्ञानता द्वितीय कथा आम समस्ते कहे जे आम हिंदू मुसलमान शिख ईसाई परस्पर भाई भाई जदि आम भाई भाई तेरे निश्चय आम समस्त जड़े पिता रही से हेले परमात्मा एवं संसार रे आत्मा अनेक किंतु परमात्मा एक तेणु आत्मा ही परमात्मा ए युक्ति संपूर्ण भूल एवं आम अन्य जो मतवाद नेउछे जे प्रकृति ही परमात्मा आपण माने समस्त सुनिथिबे प्रकृति की आम कहे जे भगवान करो बा स्रष्टांकर ई हेउछि सुंदर सृष्टि आम कहे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा तेणु चित्र एवं चित्रकार केवे एक नुहंती चित्र होची रचना चित्रकार हेले रचयिता ठीक से भली भावरे ए सृष्टि को ए सुंदर प्रकृति को परमात्मा रचना करिछंती तेणु सी हेले रचयिता प्रकृति तांकर रचना एवं आमे भगवान को कहुचे जे परमात्मा ले सत्य एवं अपरिवर्तनीय किंतु प्रकृति अपरिवर्तनीय कि नुहे प्रकृति परिवर्तनशील आज ग्रीष्म ऋतु अच्छी तो कल शीत ऋतु आसुची पुणी वर्षा ऋतु आसुची तेणु प्रकृति मध्य परिवर्तनशील एवं आमे परमात्मा को कहुचे जी सदा सुखदाता से आमर पिता जी बापा से सब बेले सुख दिए पुत्र को किंतु प्रकृति आमको सब बेले सुख देउची कि नुहे प्रकृति आमको सुख सहित तो दुख मध्य देउची जेते बेले नेचुरल कैलामिटीज होउची बन्या बात्या मरुड़ी भूकंप होउची से समय कौन आमको सुख अनुभव होउची नुहे तेणु प्रकृति सुखदायी सहित तो दुखदायी मध्य किंतु परमात्मा सदा सुखदायी तेणु प्रकृति केवे परमात्मा हो पारे ना तृतीय आम कहे जे ब्रह्म ही परमात्मा वास्तविक ब्रह्म होउची परमात्मा रहिबार स्थान ब्रह्मलोक आम भगवान को परम ब्रह्म बोली कहे जमी आत्मा को आम कहे जे आत्मा ब्रह्म परमात्मा हेले परम ब्रह्म तेणु परमात्मा रहिबार स्थान हेला ब्रह्मलोक जमी घर एवं घरे रहुथिबा व्यक्ति संपूर्ण भिन्न ठीक से भली भावरे ब्रह्मलोक हेउची परमात्मा रहिबार स्थान एवं से ब्रह्मलोक रे परम ब्रह्म रही थांती तेणु ब्रह्म परमात्मा नुहंती चतुर्थ पॉइंट आम ने जेते इष्ट देव से माने समस्ते परमात्मा तेणु दुनिया रे जेते इष्ट अच्छा बामे 33 कोटी देवी देवता कहे समस्त शरीर अच्छी जार शरीर अच्छी से निश्चय जन्म नहीं जी जन्म नहीं तार पितामाता अच्छा जी जन्म नहीं से कर्म करमफल अधीन हो कि ये मध्य देखा गले सबु धर्म लोक मैंने इष्टदेव को परमात्मा रूपे मानवे ना तेणु जी इष्ट बा सबु इष्ट परमात्मा ये मतवाद मध्य भूल एवं शेष ये ग्रहण करुचे जे परमात्मा नाम रूपर भिन्न वास्तविक नाम रूपर भिन्न कौन सी वस्तु संसार रे नाही बा केबे भी होई पारिबो नाही जेमिति आम देखुचे जे मीठा मीठार कौन सी रूप नाही किंतु मीठा को धारण करथिबा चीनी चीनी रो तो रूप अच्छी ना सुगंधर कौन सी रूप नाही किंतु सुगंध को धारण करथिबा पुष्प पुष्पर तो रूप अच्छी ना पुष्प केमिति रूपर भिन्न हो पार तो ठीक से भली भाव परमात्मा हेले ज्ञान गुण शक्ति प्रेम शांतिर स्रोत तेणु यार कौन से रूप न थाई पारे किंतु यही गुण को धारण करिचे जिए परमात्मा
से तो नाम रूप भिन्न हो पारे ना ना ज्योति बिंदु शिव परमात्मा मंगलकारी भगवान ज्योति बिंदु शिव परमात्मा मंगलकारी भगवान परमात्मा ପଥର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ଚଣା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିବଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଭବନ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି ରାଜଯୋଗୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପେ ବସି ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ମୁରଲୀ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ନିଜ ଡାଇରୀରେ ଲେଖନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ। ଗରିବ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଖୁସିରେ ଭରିଯାଏ ମନ।
ପାଠପଢ଼ା ପରେ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ରାଜଯୋଗୀଗଣ। ମନ ବୁଦ୍ଧିର ତାରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ, ଶକ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଦୃଢ଼ତା ଭରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହୋଇ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ ଫେରନ୍ତି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଲିଭା ଦାଗ ରୂପେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।